आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि सिस्टम रिकवरी ऑप्शन कैसे करते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। आपकी आया होगा, आपने इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपका जो भी नेम होगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पासवर्ड है तो पासवर्ड पे क्लिक कर दो, नहीं है तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसे करने पे ये गलत हो जाएगा, तो आपको सीधा आपको एक सिंपल काम करना है कि स्टार्टअप रिपेयर ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है, स्टार्टअप रिपेयर उसके ऊपर जाना है, उस पर क्लिक कर देना है। अब ये क्या है कि ये थोड़ा टाइम लेता है, इसको टाइम लगेगा और आप देख रहे हो इसकी लोडिंग हो रही है। जैसे आपका ये होता क्यों है कि आप डायरेक्ट स्विच बंद कर देते हो, तो डायरेक्ट स्विच बंद करने से हमें ये रिपेयर सिस्टम करना पड़ता है। तो थोड़ा लोडिंग के बाद ये नया पेज ओपन होगा, तो आपको इसको तो ऊपर कर देना है, मिनिमाइज कर दो या साइड में कर दो। उसके बाद आपको दिख रहा है व्यू एडवांस ऑप्शन फॉर सिस्टम रिकवरी एंड सपोर्ट, तो उसके ऊपर आपको जाके क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है सिस्टम रीस्टोर। सबसे पहले सिस्टम रीस्टोर अपना अनेबल आ रहा था, तो इस बार एबल आएगा। अपन इस पर क्लिक करते हैं, तो सिंपली जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल खुलती है और मेरा ये चालू हो जाता है। थैंक